जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि सोलर पंप का जो है आगे का प्रोसेस, टोकन जमा कर दिया है, टोकन को अपलोड कैसे करना है, आगे का प्रोसेस क्या है, फॉर्म भी हमने भर के जमा कर दिया है, लेकिन अभी आगे की कार्रवाई नहीं हुई है। कब तक सोलर पंप मिलेंगे, कब तक अनुमान है और आगे का जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक कंफर्म होगी, तो आज हम इसी पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम जाएंगे यूपी एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे और यहाँ पर देखेंगे क्या कोई नोटिफिकेशन नया जारी हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों हमने हालांकि इस वेबसाइट को ओपन करते रहे, यहाँ पर कोई भी नया नोटिफिकेशन जारी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग, वही लिंक आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वही पुराना नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई भी नया नोटिस नहीं है। हम चलिए यहाँ पर इस जो सोलर पंप का बुकिंग हेतु है यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, क्या कोई नया नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ है। यहाँ पर भी दोस्तों आते हैं तो वही पुराने लिंक आ रहे हैं, मतलब कोई भी नया नोटिस नहीं दिख रहा है। अब हमें टोकन को कब तक टोकन को कैसे अपलोड करना होगा, यहाँ हम जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ मिलेगा अनुदान हेतु खेत तालाब यंत्र निकाले, हम इस पर जाएंगे और यहाँ पर हम लिस्टेड देखेंगे जो जिले बाई जिले की है वहां पर क्या दिखा रहा है। दोस्तों आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, यहाँ पर मिला है जनपद वार टोकन रिपोर्ट, तो हम रिपोर्ट पर देखेंगे कि यहाँ पर जो रिपोर्ट है क्या रिपोर्ट में कुछ दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर नीचे आप देखेंगे चौथे नंबर पर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान पीएम कुसुम योजना सोलर पंप, यहाँ 10,000 सोलर पंप जनरेट किए गए थे। अब यहाँ पर हम कोई भी जो आपका 3 HP है जितना भी है उस हिसाब से हम देख लेते हैं। कोई एग्जाम्पल एक लेंगे, यहाँ 3 HP का हम एक एग्जाम्पल लेंगे और यहाँ पर दिखाएगा उसका विवरण। यहाँ डिस्ट्रिक्ट भी आ जाते हैं, तो जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर टोकन खरीदे अमेठी जिला ले देते हैं, तो अमेठी को ओपन करेंगे और अब तक यहाँ पर 36 टोकन काटे गए हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ देखेंगे कि ये टोकन कन्फर्म है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी पंजीकरण संख्या बैंक द्वारा भी इनका स्वीकार कर लिया है। यहाँ पर लिखा है अपलोड नहीं है, मतलब बिल अपलोड करना होगा। अब बिल दोस्तों कैसे अपलोड करना है हम उसी पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम बता दें जो फाइनल लिस्टेड है, बहुत लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि सर ये फाइनल कब तक होगा, कब तक। तो दोस्तों अभी इसके बारे में ना तो कोई नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है, ये कब तक होगा विभागीय वेबसाइट पर ही नया अपडेट आएगा। जैसे कोई अगर अपडेट आता है तो हम वैसे भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आपको वेबसाइट पे अपडेट रहना है। जैसे ही कोई नया नोटिस आता है जो वेटिंग में है, तो मैंने बताया कि जो लोग छोड़ देते हैं उनका वेटिंग जल्दी से पूरा किया जाएगा, बहुत ही जल्द में भी हो सकता है कि इसी मंथ में वेटिंग का जो है जो वेटिंग पे है उनको कंफर्म किया जाए जितनी खाली होगी। तो यहाँ पर आप दोस्तों हम बिल अपलोड करने की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे जाएंगे यहाँ लिखा है बिल अपलोड करें, तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। दोस्तों बिल अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे टोकन जमा रसीद एवं बिल अपलोड करें, तो यहाँ आपको देखिए पंजीकरण संख्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको पंजीकरण संख्या और यहाँ आपको टोकन नंबर, दो चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। पहले तो हम इसको क्या करेंगे कि जो हमारा टोकन नंबर है हम उसको निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास टोकन नंबर मतलब यह पर्ची में लिखा हुआ है, तो हम टोकन नंबर को भी यहाँ से निकाल लेते हैं लिस्ट से। किसान पंजीकरण संख्या और टोकन नंबर को भर दिया है, इसके बाद आगे बढ़ें, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार संख्या देनी होगी कृषक की, जो भी आधार संख्या है, इसके बाद आगे बढ़ें, इस पर हम क्लिक करें। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है यंत्र बिल अपलोड, तो यहाँ यंत्र की केवल PDF फाइल में मांगा जा रहा है कि यंत्र जो आपको मिला है जैसे सोलर पंप मिला है तो उसको अपलोड करना है, हालांकि अभी हमें सोलर पंप ही नहीं मिला है। और इसके बाद है लाभार्थी, जो भी लाभार्थी है उसकी एक फ़ोटो होना चाहिए संलग्न, इसके साथ में यंत्र का सीरियल का फोटो अपलोड होना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अपलोड का तो ऑप्शन आ रहा है, बट हमारे पास वो सामग्री ही अवेलेबल नहीं है जो हमें अपलोड करना है। तो दोस्तों ये बाद में ही अपलोड होगी, जब आपको सामग्री मिल जाएगी तब यहाँ पर बिल अपलोडेड किए जाएंगे, जो भी कंपनी होगी वहाँ पर बिल अपलोड किए जाएंगे साथ ही। तो यहाँ पर बिल इस तरीके से आपको अपलोड करना है, जब आपको सामग्री प्राप्त हो जाती है तो बड़ी आसानी से आप अपलोड कर पाएंगे, सामग्री ही प्रोवाइड नहीं कराई गई है तो आप कैसे यहाँ पर टोकन को अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि अभी अपलोड का कोई भी नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जो भी सूचनाएं होती हैं वो विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं, तो यहाँ पर कोई भी नया नोटिस जारी नहीं किया गया है। इससे संबंधित अगर कोई नया अपडेट आता है तो हम आपको जैसे ही इन्फॉर्म कर देंगे। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ मिलता है अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग यू, नमस्कार।